गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्री सेटअप बॉक्स में, डीटीएच सेटअप बॉक्स जो फ्री वाला होता है, उसमें अगर पावर ऑन नहीं हो रहा है तो आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सो सप्लाई दे दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑन नहीं शो कर रहा है। मीटर को एसी रेंज में लगा लीजिए। अब यहाँ पे किट के इनपुट पे वोल्ट चेक करिए। देखिए मीटर पे, देख पा रहे हैं आपको 220 वोल्ट लगभग मिल रहा है, लेकिन सेटअप बॉक्स ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर दे पावर से, इसको निकालें आप। मेन वायर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर चुके हैं, यहाँ पे सप्लाई मिल रहा था। अब कंटिन्यूटी चेक करिए। सबसे पहले यहाँ से फ्यूज लगा हुआ है, देखिए फ्यूज, सबसे पहले तो फ्यूज नहीं बता रहा है, इसका मतलब फ्यूज तो खराब है। फ्यूज जल चुका है, दिख भी रहा है। ठीक है, तो फ्यूज मैं हटा देता हूँ। लेकिन फ्यूज खराब हो तो आप तुरंत दूसरा फ्यूज नहीं लगाएं, आगे मैं जो बता रहा हूँ उसको गौर से देखें। कैपेसिटर जो लगा हुआ है, कैपेसिटर पे पहले शॉर्टिंग चेक करें, कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आ रही है कि नहीं। शॉर्टिंग आ रही है कैपेसिटर से, शॉर्टिंग है तो दोनों साइड से शॉर्टिंग बताएगा। ठीक है, कैपेसिटर के जस्ट नीचे अगर शॉर्टिंग है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायोड सब देख रहे हैं। ठीक है, डायोड सब कोई जला दिखता है तो डायोड चेक करते हैं। अभी कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहे थे, सबसे पहले कैपेसिटर को बाहर निकालिए। कैपेसिटर बाहर निकालने से अगर सर्किट का शॉर्टिंग खत्म हो जाता है तो समझिए कैपेसिटर खराब है, अगर नहीं खत्म होता है तो फिर हम लोग और सर्किट में आगे जांच किया जाएगा। ठीक है, अब अलग इसको निकालिए। अब कैपेसिटर को जांच कर रहा हूं मैं, शॉर्ट है दोनों साइड में, किसी से करिएगा आप शॉर्ट बताएगा। तो कैपेसिटर खराब है और फ्यूज खराब है। अब फिर मैं एक बार किट को देख लेता हूँ। देखिए रीडिंग एक साइड से आ रहा है, एक साइड से कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, कोई रीडिंग नहीं है देखिए, और एक साइड से थोड़ा बहुत रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ कैपेसिटर खराब था। अब मैं पुराने बोर्ड से फ्यूज निकाल लेता हूँ और ये कैपेसिटर भी निकाल लेता हूँ। और बारी बारी से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। देखिए यहां पे आपको शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, यहां पे शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, लेकिन यहां पे शॉर्ट मिल रहा है, इसका मतलब खराब कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, तो कैपेसिटर खराब है। इसको हटा दे, अलग रख दें। और देखिए फ्यूज का कैसे चेक करते हैं, फ्यूज में कुछ नहीं बता रहा है तो फ्यूज खराब है। फ्यूज में बताना चाहिए और कैपेसिटर में नहीं बताना चाहिए। ठीक है, जिस फ्यूज में रीडिंग दे ये फ्यूज ठीक है, जो रीडिंग दे जो फ्यूज वो ठीक है, जो नहीं दे वो खराब है। तो खराब फ्यूज को मैं हटा देता हूँ, फ्यूज लगा दिया। अब इस कैपेसिटर को एक बार फिर से चेक करूँ ताकि कैपेसिटर बदला तो नहीं गया खराब वाले से। अब देखिए लगाने का तरीका, इधर माइनस है, ये जो डिनोट किया जा रहा है ये माइनस दिखाता है। ठीक है, तो आप इसको इधर तरफ माइनस हो जाएगा, सोल्डिंग प्रॉपर करें। ठीक है, अब मैं फिर से पावर देके आपको दिखाता हूं। देखिए पावर आ चुका है, आएगा फिर, देखिए आ चुका है पावर। तो जो भी स्टेप बताया गया ध्यान से फॉलो करें, ऐसा नहीं है कि फ्यूज खराब है तो तुरंत दूसरा फ्यूज लगा दे आप, उस तरह करने से तो वो पुराना फ्यूज भी तुरंत जल जाएगा। ठीक है,
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।